बरेली में किसान यूनियन ने उप जिलाधिकारी को सौंपा जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन। पुलिस की मनमानी की जिलाधिकारी से की शिकायत। बता दें कि केंद्र सरकार के कृषि बिलों के खिलाफ कई दिनों से किसान दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं और देश भर के तमाम हिस्सों से किसान दिल्ली जाना चाहते हैं। ऐसे में पुलिस द्वारा बलपूर्वक उन्हें रोका जा रहा है, जिससे किसानों और केंद्र सरकार के बीच गतिरोध कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। उधर किसान संगठन अपनी मांगों पर अटल है और सरकार भी टस से मस होने को तैयार नहीं है। इससे आंदोलन लंबा खिंचता जा रहा है। ऐसे में आज बरेली में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के जिलाध्यक्ष की अगुवाई में किसानों ने जिलाधिकारी बरेली को संबोधित एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा, जिसमें उन्होंने मीरगंज तहसील में किसानों पर हुए मुकदमों को वापस लेने की बात कही तथा आंदोलन के दौरान किसानों के साथ प्रशासन जो अभद्रतापूर्ण व्यवहार कर रहा है उसकी निंदा की। वहीं दिल्ली जाने वाले किसानों को रोके जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई। इसके अलावा उन्होंने ज्ञापन में मांग की है कि क्रय केंद्रों पर किसानों के धान तौले नहीं जा रहे हैं, उसे जल्द से जल्द तुलवाया जाए। ज्ञापन देने वालों में हरिओम मौर्य, गंगाराम वर्मा, रामवीर, सुनील यादव, गजेंद्र सिंह सहित तमाम किसान मौजूद रहे। समस्या हमारी यह सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी किसान बिल पास किया था, एक कानून बनाया, तीन कानून। जब किसानों ने उसे देखा है, वो किसान विरोधी, पूर्णतः किसान विरोधी कानून है। वो काले कानून की संज्ञा दी गई है किसान यूनियनों से, वो काले कानून को हम वापस कराना चाहते हैं। दूसरा MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिससे कम पे नहीं बिक सकता, जो MSP है उससे कम पे खरीदने के लिए सरकार ने खुली छूट दे दी है। हम लोग चाहते हैं कि MSP को लागू किया जाए, कानून बनाया जाए, जो उससे कम पे कोई खरीदता है उसे संज्ञेय अपराध घोषित किया जाए, उसे अपराधी माना जाए, उसके खिलाफ कार्यवाही हो, उसे जेल भेजा जाए। हर जिला मुख्यालय पे हमारा प्रदर्शन है, हमारा प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन DM साहब को देना होता है, ये हमने दिया है।